पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर और इंटरनेशनल एम्पायर असद रऊफ साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, इतला के मुताबिक उनको हार्ट अटैक हुआ जिससे वो अपने खालिक हकीकी को जा मिले। खैर, ये तो अमर रबी है। इस दुनिया पर जो भी इंसान आया है उसने वापस चले जाना है। इस दुनिया पर ना कोई इंसान हमेशा रहा है और ना कोई इंसान हमेशा रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला असद रऊफ साहब की मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। नाजरीन, आज मैं असद रऊफ साहब की हालात जिंदगी पर एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि उनकी तारीख पैदाइश क्या थी और वो किस शहर में पैदा हुए? तालीम हासिल करने के बाद उनको क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ? उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला क्रिकेट मैच कब, कहाँ, किस टीम के खिलाफ और किस इदारे की तरफ से खेला? क्रिकेट खेलते रहे तो उनको एम्पायर बनने का शौक पैदा हुआ, तो कब उन्होंने एम्पायरिंग शुरू की और किस मुल्क ने सबसे पहले उनको एम्पायर के तौर पर चुना? उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे पहला मैच कब खेला जिसमें उन्होंने एम्पायरिंग की और वो मैच किन टीमों के दरमियान था? नाजरीन, इसके अलावा जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कौन सा कारोबार शुरू किया जिससे वो अपना जरिया मुआश चलाते रहे थे? आज आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्री इसमें वीडियो में पेश कर रहा हूँ, जरा मुलाहजा फरमाए। असद रऊफ साबक पाकिस्तानी क्रिकेटर और इंटरनेशनल एम्पायर थे। उनकी तारीख पैदाइश 12 मई 1956 है, जबकि तारीख वफात 15 सितंबर 2022 है। उन्होंने 66 बरस उम्र पाई। वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर शहर में पैदा हुए थे। वो लंबे कद काठ और सेहतमंदाना जिस्म वाले थे। एक अच्छी शख्सियत और रौबदार तबीयत के मालिक थे। वो भारी आवाज़ और मजबूत आसाब रखते थे। इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे तो अक्सर औकात कजाफी स्टेडियम के पास से उनका गुजर होता रहता तो वहाँ का माहौल उनका दिल को लुभा जाता था। वो अक्सर सोचते थे कि मैं कोई बड़ा काम करूँ। एक रोज़ कजाफी स्टेडियम में जाना हुआ जहाँ मुख्तलिफ बैंकों के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहाँ से उनको क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा हो गया तो तालीम के साथ साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता वो एक अच्छा बैट्समैन और बॉलर भी बन गए। तालीम के बाद उनको लाहौर क्रिकेट टीम की जानिब से खेलने का मौका मिला तो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके बाद उनकी किस्मत का सितारा चमका तो मुख्तलिफ टीमों ने उनको खिलाना शुरू कर दिया। असद रऊफ ने 1977 और 1991 के दरमियान में पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ लाहौर, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे की नुमाइंदगी की। वो बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते थे जबकि गेंदबाजी राइट आर्म ऑफ स्पिन कराते थे। उनकी हैसियत बल्लेबाज एम्पायर के तौर पर थी। क्रिकेट खेलते खेलते उनको एम्पायर बनने का शौक़ पैदा हो गया तो उसके लिए सख्त मेहनत करना शुरू कर दी तो बिलाखिर वो एम्पायर भी बन गए। असद रऊफ ने सन 2000 से 2013 तक इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायरिंग की। उनका शुमार दुनिया क्रिकेट के मुमताज़ एम्पायर में होता था। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC एलिट पैनल में शामिल थे। ख्याल रहे कि एक दौर था जब असद रऊफ की बतौर एम्पायरिंग फैसलों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उन्होंने 13 साल बतौर एम्पायर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। असद रऊफ ने अपनी क्रिकेट का पहला फर्स्ट क्लास मैच 4 नवंबर 1977 पाकिस्तान जामियात बा मुकाबला हबीब बैंक लिमिटेड के दरमियान खेला। असद रऊफ ने अपना पहला लिस्ट ए मैच 17 मार्च 1981 पाकिस्तान रेलवे बा मुकाबला हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के दरमियान खेला। असद रऊफ ने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच 28 अक्टूबर 1990 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बा मुकाबला पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान खेला। असद रऊफ ने अपना आखिरी लिस्ट ए मैच 2 अक्टूबर 1991 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बा मुकाबला पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान खेला। बतौर एम्पायर असद रऊफ 1998 में फर्स्ट क्लास एम्पायर बने थे। फरवरी सन 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उन्हें अपने पहले एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी वनडे के लिए एम्पायर मुकर्रर किया था। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 16 फरवरी सन 2000 को गुजरांवाला पाकिस्तान में होने वाला मैच
2004 में अलीम डार की आईसीसी एलीट एम्पायर पैनल में तरक्की के साथ असद रऊफ को पहली बार इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल किया गया था। जनवरी 2005 में आईसीसी ने उन्हें अपने पहले टेस्ट मैच बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान में चटागांग एमएमए में होने वाले मैच के लिए मुकर्रर किया था। दिसंबर 2005 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट में एम्पायरिंग की। अप्रैल 2006 में असद रऊफ की एम्पायरिंग को आईसीसी एम्पायर्स के इमारात एलीट पैनल में तरक्की के साथ इनाम दिया गया। सितंबर 2012 में असद रऊफ ने भारत और अफगानिस्तान के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड टी20 ग्रुप मरहले के मैच में एम्पायरिंग की। 2006 में आईसीसी एम्पायर्स के एलीट पैनल में शामिल होने से असद रऊफ ने आईसीसी की जानिब से 47 टेस्ट मैचेस, 98 एक रोज़ा मैचेस और 23 टी20 मैचेस में एम्पायरिंग की। इसके अलावा असद रऊफ ने 11 वैमन टी20 मैचेस की भी एम्पायरिंग की। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स ने जून 2013 में उनकी कारकर्दगी के सालाना जायजे के बाद असद रऊफ की तवील मुद्दत में शानदार शराकत की तारीफ की। एम्पायर्स के आईसीसी एलीट पैनल से ड्रॉप होने के बाद असद रऊफ ने मजीद एम्पायर रहने से इस्तीफा दे दिया। उन पर इल्ज़ाम है कि वो मैच फिक्सिंग और क्रिकेट मैचों की स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे। फरवरी 2016 में असद रऊफ को बीसीसीआई ने बदउनवानी का कसूरवार पाया और उन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। सन 2017 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल एम्पायर असद रऊफ पर 5 साल तक के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। इसका इतलाक सिर्फ उन्हीं मैचेस पर किया गया जिनका इनाकाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि असद रऊफ 2013 में मुनक़दा आईपीएल में मुबैना तौर पर फिक्सिंग में मुलव्वस रहे। जवाब तलबी पर असद रऊफ ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अपना जवाब अरसाल भी किया था। नाजरीन, दर हकीकत असद रऊफ की असल दुनिया क्रिकेट ही थी। 2013 में जब उन्हें आईपीएल में मुबैना स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल का सामना करना पड़ा तो उसके बाद ही उनकी ये असल दुनिया ख़त्म हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो अपनी फैमिली और अपने कारोबार पर मकूस कर ली थी। वो आईसीसी को बार बार यकीन दहानी कराते रहे वो ऐसा नहीं है, ना ही किसी फिक्सिंग में मुलव्वस है, ना ही उसको ज़रूरत है। असद रऊफ ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद किया था लेकिन आईसीसी ने मानने से इनकार कर दिया था। इसकी बड़ी वजह भारतीय क्रिकेट बोर्ड था जिसने पाबंदी लगवाई थी, तो उसके बाद असद रऊफ ने क्रिकेट को छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद असद रऊफ ने लाहौर शहर में इचरा मार्केट के एक बाज़ार में सेकंड हैंड पेंट शर्ट और जूते फरोख्त करने की छोटी सी दुकान बना ली जिससे उनके घर का गुजर बसर होता रहा। उन्होंने कभी किसी हुकूमत से कोई मदद नहीं मांगी और ना ही मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ फैलाया। असद रऊफ ने अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज के बारे में एक निजी अखबार से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि डलती उम्र और अपने बेटे की बीमारी की वजह से मैंने क्रिकेट की दुनिया को खैरबाद कहा और गुजर अवकात के लिए लाहौर के एक बाज़ार में इचरा मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोली है जहां मैं क्राकरी और पुराने कपड़े बेचता हूँ। असद रऊफ का कहना था कि मैं अपने काम से मुतमइन हूँ, मेरी आदत है जो काम शुरू करता हूँ उसको उरूज तक पहुँचाता हूँ। उनका कहना था कि मैंने अपने बेटे की बीमारी और अपनी उम्र की वजह से क्रिकेट को छोड़ा। फिक्सिंग के इल्ज़ाम को आज भी मुस्तरद करता हूं, मैं मानता ही नहीं कि मैंने फिक्सिंग की है। मैंने एम्पायरिंग छोड़ने के बाद पूरा वक्त अपने बेटे की देखभाल में सर्फ किया। असद रऊफ ने कहा कि मेरा बेटा शिजोफेनिया में मुबतला है। डॉक्टरों ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप इसे ठीक देखना चाहते हैं तो इसे पूरा पूरा टाइम दें। अब मेरी भरपूर तवज्जो की वजह से इसकी सेहत और दिमागी हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। असद रऊफ ने मजीद कहा कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मुतमइन हूँ। उन्होंने साबक भारतीय क्रिकेटर वरिंदर सहवाग के स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम को भी बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था सहवाग जैसे खिलाड़ियों की क्या मजाल है कि वो आईसीसी के एलीट पैनल के अंपायर पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाएं। उनका कहना था कि इंडियन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और हरभजन की बेगमात मेरी बहुत बड़ी मदा हैं, वो मुझे पसंद करती हैं और इज्जत करती हैं। अपने स्कैंडल बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि एक इंडियन मॉडल ने सस्ते शोहरत के लिए मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया था, ताहा मैंने उसे कहा था कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और अगले साल ही मैं आईपीएल में दोबारा एम्पायरिंग की और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी।
नाजरीन, बिलाशुबा असद रऊफ एक खुददार और शरीफ़ नफ्स दरवेश सिफ्त इंसान था। सादा मिजाज, नरम तबीयत, खुशगवार सासात का मालिक था। उनके करीबी दोस्त अलीम डार, रमीज़ राजा, जवेद मियादाद और दीगर क्रिकेटर बताते हैं कि उन जैसा अच्छा नेक दोस्त हमने बहुत कम पाया। उसकी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। एक लेजेंड क्रिकेटर हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया, ये बहुत बड़ा सानिया है। हमारा सीनियर प्लेयर दुनिया से चला गया। दुआ है कि अल्लाह ताला असद रऊफ साहब की मगफरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।